हेलो दोस्तों, मैं हूं शहनशाह बख्शी और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है सुजुकी एवनिस 125। ये 2024 का अपडेटेड वर्जन हमारे साथ होने वाला है। BS6 के साथ ही आने वाली है, बट ये अब BS6 फेज 2 के अंदर में आ जाती है। अगर सुजुकी एवनिस को दूसरा नाम देना हो तो सुजुकी एक्सेस भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही इंजन शेयर किया जा रहा है जो सुजुकी एक्सेस के अंदर में हमने देखा है। इवन की बगमैन के अंदर भी वही इंजन आपको देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पे आपको स्पोर्टियर डिजाइन देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे सामने से जो डिजाइन है तो ये कट्स एंड एजेस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। वहीं आप एक्सेस में जाएंगे तो आपको स्क्वायर शेप में हेडलैम्प मिलेगा और वहाँ पर आपको क्रोम के यूजेस ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे आपको वहाँ पे न्यू रेट्रो लुक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको फुल स्पोर्टी लुक में मिलने वाली है। यहाँ पे आप विंडशील्ड का डिज़ाइन देख लेंगे तो ये देखेंगे ये काफ़ी डिफरेंट है और अच्छे कट्स के साथ आ जाता है। मेटेलिक ब्लैक के अंदर में है और यहीं पर आपको सुजुकी की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे के साइड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन के साथ ही होने वाला है। हालांकि यहाँ पे LED इंडिकेटर अपडेट हो जाता तो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाता, लेकिन यहाँ पे अभी हेलोजन के साथ ही इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। नीचे के साइड में जो आपके पैनल हैं ये देखेंगे मेटेलिक ब्लैक के अंदर में है और मैट ब्लैक का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखा गया। पूरे स्कूटर के अंदर में आपको ड्यूल टोन कलर का इस्तेमाल किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रखा गया है। और नीचे की साइड आप जब आते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हेड लैम्प है ये फुल्ली LED का सेटअप आपको मिल जाता है। अभी आप देखेंगे इग्निशन जब आपका ऑन होता है तो आपके DRL ऑन होंगे और साथ साथ जो आपके लो बीम है ये भी आपके ऑन होते हैं। हाई बीम का भी सेटअप काफ़ी अच्छा रखा गया, लाइट का आपको थ्रो बेहतर मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा हाई बीम का है, लाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी साइड से आप देख लेते हो तो यहाँ पे भी आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छे ग्राफिक्स हैं, अच्छे दिख रहे हैं। यहीं पे आपको राइट कनेक्ट एडिशन का स्टिकर मिल जाता है, जो कि एवनिस का ये टॉप वेरिएंट हमारे साथ होने वाला है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। कई स्कूटर में आपने देखा होगा कि सस्पेंशन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के पास में रिफ्लेक्टर दिया गया है। और यहीं अगर हम बात कर ले मड गार्ड की, तो मड गार्ड के ऊपर भी काफ़ी अच्छे आपको डिजाइन एंड कट्स देखने को मिल जाएंगे। ये मेटल के साथ होने वाला है, जिससे अच्छी रिलायबिलिटी यहाँ पे होने वाली है। वहीं सस्पेंशन की बात कर ले तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है और साथ साथ आपको यहाँ 120mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और टायर की बात कर ले तो यहाँ पे MRF की तरफ से ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात कर ले तो 90x90 R12 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी दी गई है और यहाँ पे आप देखेंगे साइड में तो यहाँ पे भी आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो ब्लैक के अंदर में है। और यहाँ पे राइट कनेक्ट एडिशन की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, जो सुजुकी का ये टॉप वेरिएंट हमारे साथ है। और यहीं आप डैशबोर्ड के डिज़ाइन को आप देख लेंगे तो फुल्ली ब्लैक के अंदर में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड पर ड्यूल टोन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ देखेंगे आपको वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो हमने बगमैन के अंदर और एक्सेस के अंदर में देखा है। नीचे आपको सुजुकी का यहाँ पे 3D में बैजिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपके देखेंगे ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और यहीं पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है लाइट के साथ, जो कि बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे रबर की आपको पैडिंग मिल जाती है, जो एयर टाइट होने वाला है, इसमें पानी वगैरह आपको कभी नहीं जाएंगे, आपकी जो चीज़ अंदर में होंगी वो काफ़ी सेफ यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको लगेज हुक मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से आप अपने इग्निशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ साथ अपने बूट को भी एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से, कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ देखेंगे आपको कोई भी वेब की इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ आपको सिंपल की मिल जाती है, यहाँ 2 की मिलने वाले हैं आपको। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर ये TFT डिस्प्ले होता तो और भी बेहतर हो सकता था। अभी हाई बीम को हम बंद कर देते हैं, बैटरी बचाना है। और यहाँ पे देखेंगे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपके ऑडोमीटर है, यहाँ पे आपके इंजन हीट टेम्परेचर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ आपको टाइम है। और साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है, जिससे आपके कॉल्स, SMS, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने वाली है। यहाँ पर आपको 2 बटन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ जो ऊपर में बटन है इसको जैसे ही टॉगल करते हो आप तो आप देखेंगे आपको ट्रिप ए देखने को मिल जाएगा, एवरेज देखने को मिल जाएंगे। अभी स्कूटर चली नहीं है तो आपको यहाँ एवरेज कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और यहीं पर आपको ट्रिप भी देखने को मिल जाएंगे और बैटरी वोल्टेज सप्लाई वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक बटन से मोड वाला, इसको जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पेयरिंग मोड आपका ऑन हो जाता है। अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू आप स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बटन्स वगैरह की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर आपके लाइट्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पर आपको टर्न
तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के स्विच आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट है जो कि काफ़ी लाउड है। यहाँ देखेंगे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और साथ साथ आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के बटन मिल जाते हैं। बाकी हैंडल ग्रिपिंग वगैरह काफ़ी यहाँ पे बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी आपको एल्युमिनियम का ब्रेक लीवर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। फुट बोर्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पे फुट बोर्ड एरिया भी काफ़ी सफिशियंट रखा गया है। आप अगर सोचते हो कि यहाँ पे एक सिलेंडर आप कैरी कर सकते हो, वो यहाँ पे मुश्किल है, बट आप बड़े कंफर्ट होकर यहाँ पे बैठ सकते हो। और अगर सीट हाइट की बात करें तो यहाँ सीट हाइट आपको 795 mm का मिल जाता है। अगर आप 5'7" 5'6" के हो तब भी बड़े कम्फर्टेबल होकर आप यहाँ पे बैठ सकते हो। आप देख सकते हैं कि मैं बड़े आराम से यहाँ पे फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा बस आपको आगे की तरफ होना पड़ेगा। बाकी सीट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको छोटा सा हम्प है, जिससे आपके जो राइडर है उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट पीछे से मिलने वाला है। यहाँ पे जो हम्प है और पीछे पिलियन के लिए भी काफ़ी सफिशियंट स्पेस मिल जाता है। और वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल जाता है जो कि इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आ जाता है। सेफ्टी व्यू पॉइंट से काफ़ी बढ़िया होने वाला है, साथ साथ आपको यहाँ पे सेंट्रल स्टैंड भी देखने को मिल जाएंगे। आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता ही है, आपको यहाँ पे किक भी ऑफर किया जाता है। और बात कर ले अगर इंजन की तो यहाँ पे भी वही सेम इंजन यूज़ किया गया जो हमने एक्सेस के अंदर और बगमैन के अंदर में देखा है। 124.5 cc का एयर कूल फोर स्ट्रोक और BS6 फेज टू वाला इंजन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। पावर की बात कर ले तो 8.7 PS का आपको पावर मिल जाएगा 6700 RPM पे। और वहीं टॉर्क की बात कर ले तो 10 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे स्विंग आर्म सस्पेंशन यूज किए गए हैं जो कि आपके क्वाइल सस्पेंशन होने वाले हैं। और रियर में जो आपके टायर मिल जाते हैं वो 90x90R10 के, यहाँ रियर में आपको 10 in का टायर मिलता है, फ्रंट में आपको 12 in का है। तो यहाँ भी अगर रियर में टायर 12 in का होता तो और भी बेहतर हो सकता था। यहाँ भी MRF के तरफ से ही ऑफर किया जाने वाला टायर मिल जाता है आपको। बाकी मड गार्ड वगैरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के अंदर ही होने वाला है। और साइड में आप देखेंगे जो 3D के अंदर में एविनिस की यहाँ पे बैजिंग रखी गई है। जो आपका बैजिंग है ये आपको मेटेलिक ब्लैक के साथ होने वाला है। और एक का डिज़ाइन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एवेंजर का फील कराने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेटेलिक ब्लैक और मैट ब्लैक का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रखा। और ग्रैब रेल वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब रेल आपको मेटेलिक ब्लैक के अंदर में मिलने वाला है, ये एल्युमिनियम के साथ आपको मिल जाता है और ये स्प्लिट होने वाला है। यहाँ पे आपके फ्यूल फिलर कैप मिल जाते हैं जो कि क्रोम के साथ होने वाला है। यहाँ पे E20 के आपको स्टिकरिंग मिल जाएगी जो आप E20 अपडेट के साथ आपको मिलने वाली है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि स्कूटर का पूरा डिज़ाइन स्पोर्टी रखा गया है, तो आप टेल लैंप को जब देखेंगे तो ये भी LED के अंदर में है। और जैसे ही आपका इग्निशन ऑन होता है तो आपके कुछ ऐसे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा कुछ व्यू मिलने वाला है। और नीचे की तरफ में भी आपको काफ़ी अच्छे कट्स देखने को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स आपको बाइक वाले लुक में मिल जाते हैं। ये अगर बॉडी के साथ अटैच होता जैसा कि हमने बगमैन में देखा था तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे छोटी सी लाइट है जो आपके नंबर प्लेट्स को हाईलाइट्स करेंगे। और जो आपके रियर में मड गार्ड रखे गए हैं इसकी क्वालिटी डिसेंट है, प्लास्टिक के अंदर होने वाला है और ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा। बाकी आपके एलॉय के डिज़ाइन देख सकते हैं कैसे हैं। फ्रंट में आपको अलग एलॉय यूज़ किया गया है, यहाँ पे अलग डिज़ाइन के एलॉय मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। और आपको पता है कि सुजुकी के सारे स्कूटर्स में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, मतलब जैसे ही आप रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आपका फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगा। अभी मैं रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि फ्रंट ब्रेक में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते हुए देखेगी, यही आपका कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। जब आप रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होने वाला है। और यहाँ आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ से अपने की को इंसर्ट करना होगा। और आप एक अच्छी चीज़ देखेंगे, जो आपका फ्यूल फिलर कैप है ये यहाँ पे अटैच रखा गया जो आपको हाथ में लेके खड़ा नहीं होना है। और यहाँ पे देखेंगे 5.2 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और सिंपली आपको यहाँ से प्रेस कर देना, ये आपका लॉक हो चुका है। अब मैं आपको अंदर सीट स्टोरेज इसका दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो अंदर सीट स्टोरेज मिल जाता है ये अराउंड 22 लीटर का मिलने वाला है, मतलब आप फुल साइज़ का एक हेलमेट तो रख ही पाएंगे, प्लस डेली यूजेस के कुछ सामान भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ साथ आपको एक फर्स्ट एड किट मिल जाएगा और टूल्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है, हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बाकी यहाँ पे सीट के नीचे में प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी काफ़ी हार्ड रखी गई है, तो यहाँ पे ये सब बढ़िया चीज़ें मिल जाती है। और सीट की कुशनिंग वगैरह भी आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी गई है और यहाँ पे दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। इमरजेंसी में आप अगर तीन लोग भी बैठते हैं तो आपको स्पेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे पिलियन भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपको रेड के साथ जो स्टिचिंग देखने को मिल जाती है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल का काफ़ी ख्याल रखा गया है। और एवनीस के राइट साइड के लुक को देख लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 3D के अंदर में एवनीस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको SEP की स्टिकरिंग मिल जाती है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस, जो आपकी
टेक्नोलॉजी सुजुकी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिससे आपके माइलेज और भी बेहतर हो पाएंगे, आपको अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा। नोट को आप देखेंगे तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा गया है, डिजाइन भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। ये एग्जॉस्ट नोट हमने सुजुकी बगमैन के अंदर में देखा था, सेम आपको ये साइलेंसर वहाँ पर भी शेयर किया गया। यहाँ पर आपको मेटेलिक ब्लैक और मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर साउंड की बात कर लें तो साउंड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैंने स्कूटर को स्टार्ट कर लिया है, अभी आप साउंड सुन रहे हैं, ये आपका आइडियल पे साउंड है। मैं थोड़ा भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अगर एक्सीलरेट करता हूँ तो आप यहाँ पे आप साउंड को नोटिस करेंगे। ये आप काफ़ी बेसी सा यहाँ पे आपको साउंड मिल जाता है, मतलब 125 सीसी के अंदर में आपको ये स्कूटर काफ़ी बेस्ट होने वाली है। तो आप बात कर लेते हैं एबिनिस 125 हमें किस प्राइस में मिलने वाली है। तो अभी मैं रोहन सुजुकी ओखला के अंदर में हूँ। अगर आपको सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी आपको शोरूम के सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो 1,14,000 होने वाला है, लेकिन आप अगर मेरे रेफरेंस से आते हो तो आपको अच्छे ऑफर यहाँ पे दिए जाएंगे। और बात कर लेते हैं माइलेज की, तो माइलेज की बात कर ले तो सिटी के अंदर में आपको अराउंड 50 का माइलेज मिल जाएगा, और अगर आप हाईवे ड्राइव करते हो तो 55-57 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि सुजुकी एबनिस 125 का राइड कनेक्ट एडिशन आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें और अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखें।